तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विपिन आर्ट। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए न्यू वाटर कलर का डेमो लेके आ चुका हूं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको ये वाला वाटर कलर पसंद आएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 गो। तो फ्रेंड, सबसे पहले वाटर कलर में सबसे मेन चीज़ होती है स्केचिंग। स्केचिंग करने के बाद आती है फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। तो ऐसे वाटर कलर में 3 लेयर में काम कंप्लीट होना जरूरी होता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखते रहिए। तो फ्रेंड, वाटर कलर की सबसे बड़ी खासियत है इसमें होती है ट्रांसपेरेंसी। तो सब कुछ क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी के भरोसे रहता है। तो सबसे पहले आती है फर्स्ट लेयर। तो इसमें क्या करना है, पूरा वॉश भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से कीजिए। ज़रूरी नहीं है जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप भी करें, अपने हिसाब से कीजिएगा इसको। तो मैंने क्या किया, देखो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी फर्स्ट लेयर पे। तो आपने भी ऐसे ही लेयर बाय लेयर काम करना है। और सबसे मेन चीज़ है इसमें, आप कलर कितना भी अच्छा करते हो तो आपकी स्केचिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। वाटर कलर मेन चीज़ है, स्केचिंग का आप लोग ध्यान रखते जाइए। तो मैंने क्या किया कि घर के पोर्शन में ही फोकस दिया है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, साइड की चीज़ों को ब्लर कर दूंगा इस प्रकार से। अब बताए इसमें शैडो का पार्ट, शैडो के पार्ट के लिए आप क्या कीजिए, अल्टा मैरिना स्काई लेक से आप डेप्थ दिखा सकते हैं। अब ऐसे ही सभी जगहों पर काम होगा। अब आ गया सेकंड लेयर। सेकंड लेयर में आपने जहाँ जहाँ डेप्थ है वहाँ वहाँ डेप्थ देनी है ऐसे। इसमें मेन चीज़ ये भी है कि आपका लाइट का सोर्स कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट से या राइट से, तो उसका आपने ध्यान रखना है। अब ऐसे ही सेकंड लेयर में डेप्थ, जहाँ जहाँ हमने डेप्थ देनी होगी वहाँ वहाँ डेप्थ ऐसे देंगे। ऐसे लेयर बाय लेयर काम होती रहेगा।
तो थर्ड लेयर में क्या करना, हमने कहीं कहीं काम करना है। वाटर कलर में क्या होता है, जितना आप कम काम करेंगे उतना ही आपका कलर डल होने से बचेगा। तो फ्रेंड आपने लगातार वाटर कलर की प्रैक्टिस करती रहनी है और छोड़ना नहीं है इसको। मैंने देखो बीच में छोड़ दिया था वाटर कलर, तो इस टाइप का वाटर कलर देखने को मिल रहा होगा आपको। तो थर्ड लेयर में आपने कहीं कहीं काम करना है। तो फ्रेंड आपने वाटर कलर में ट्रांसपेरेंसी और फ्लो के साथ काम करना है, डिटेलिंग करने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको। शुरुआत में आप लोग क्या करेंगे, एकदम डिटेलिंग करने लग जाएंगे, तो डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे क्या होगा, आपका एक वर्क ख़राब होगा, दो वर्क ख़राब होगा, तीन होगा, 100 वर्क ख़राब होंगे, तो लास्ट 101 वाला वर्क होगा, वो सही निकल के आएगा बाद में। तो फ्रेंड आपने कलर मारने में डरना नहीं है, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए आपको, जैसा आता है वैसा कीजिए। तो फ्रेंड अभी मैंने जितनी भी वाटर कलर की जानकारी दी आपको समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड आपको वाटर कलर में तीनों लेयर है समझ में आई होंगी। आप क्या कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोगों को वाटर कलर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कॉमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए एक नई वीडियो आपके लिए बना दूँगा। तो फ्रेंड आज की क्लास में इतना ही। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको सभी लोगों को शेयर कीजिए और घबराइए मत शेयर करने में। तो गाइस आपको ये वाला वाटर कलर का डेमो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये वाला वाटर कलर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।